कोरोना संक्रमण एक बार फिर देश पर अपना कहर बरपा रहा है। देश में फिर कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन का काम भी जोरों पर चल रहा है। बावजूद इसके भी कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई, जिसके जरिए गुरुग्राम की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो मोबाइल वैक्सीनेशन वैन में वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों के टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक बैठने की व्यवस्था की गई है। चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो इस मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से दिन भर में 100 नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं साइबर सिटी में लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों के मद्देनजर जिले भर के अस्पतालों में 50% बेड आरक्षित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या को और बढ़ाने के लिए भी विचार किया जा रहा है। गुड़गांव में आपको मालूम है काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो स्लम एरियाज़ हैं और बहुत हाईली कंजस्टेड और पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिनमें रूटीन में वैक्सीनेशन करने के लिए हमने 2 मोबाइल वैन्स का आज इंतजाम किया है, जिनमें रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन ऑफिसर के साथ साथ एक फ्री रूम या मैनेजमेंट रूम बनाया है। हम कोशिश ये करेंगे जो स्लम एरिया है, जो हाईली कंजस्टेड एरिया है, जो लोग नहीं आ पा रहे, वैक्सीन वैन वहाँ पर जाएगी। इसमें सभी जो है सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, AFI किट साथ में रहेगी और नज़दीकी AFI जो सेंटर है उसके साथ वैक्सीन वैन को लिंक कर दिया गया है, ताकि इन केस अगर कोई AFI बाद में भी होती है तो वो पेशेंट या वो वैक्सीन करवाने वाला व्यक्ति वहां जाकर अपना AFI के लिए मैनेजमेंट की जा सकती है। आज गुड़गांव में हमने कुल मिलाकर 2 PHCs में आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है, सूरत नगर और फाजिलपुर के एरिया में। आने वाले दिनों में जितने भी हमारी ये चाहे वो चक्रपुर हो या ऐसा कोई एरिया हो जहाँ बहुत ज़्यादा हमारा स्लम का एरिया है या टिगरा का एरिया हो, इन जगह पर हम वैक्सीन वैन को, मोबाइल वैक्सीन वैन को भेजा करेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये काम करा करेंगे। वहीं वेंटिलेटर की संख्या पर चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो जिला में 300 के करीब तकरीबन वेंटिलेटर मौजूद है, जबकि सरकारी अस्पतालों ने भी 3-4 वेंटिलेटर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा से ही कोरोना को मात दी जा सकती है, ये बात सीएमओ साहब ने बार बार दोहरा जनता से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील जरूर की। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।